जी हाँ, जैसे बनारस में आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, यहाँ पे डिपॉजिट की ऑप्शन आती है, डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, क्रिप्टो डिपॉजिट, यहाँ पे टिक करना आपने, यहाँ पे टिक कीजिए, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉइन पूछेगा कि क्या कॉइन आपने, कौन सा कॉइन लेना है। तो यहाँ पे आपको हो सकता है ये वाले जैसे मेरे रेगुलर सर्च होते हैं ये ना आए, तो यहाँ पे आप टिक करके यहाँ पे USDT सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा, ईथर US ऐसा साइन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेटवर्क मांगेगा आपको, डिपॉजिट टू नेटवर्क, नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, ये BNB BSC ईथर, ईथर का ये देखिए वहां पे ईथर, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एथेरियम पे एड्रेस डालना है, USDT का एथेरियम एड्रेस ERC20 यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे टिक करेंगे तो ये एड्रेस आपको शो कर देगा, ये वाला एड्रेस कॉपी करिए और यहाँ पे अपने I100 अकाउंट में जाके पेस्ट कर दीजिए और फॉरवर्ड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगी आपकी फाइल, सबमिट हो जाएगी तो जैसे अभी मैंने बताया था अपना पेज दिखाया था वैसा ही आपको पेज वहां पे शो कर जाएगा। मैं फिर आपको बनारस का स्टेप आपको दिखा देता हूँ कैसे करने हैं, ओवरव्यू, जैसे वॉलेट आ गया, डिपॉजिट, क्रिप्टो डिपॉजिट, फिर आपने यहाँ पे कॉइन सर्च कर लेना है, USDT, यहाँ पे नेटवर्क आएगा आपका, BNB आता है, BSC आता है, इन सबको भूल जाइए, आपने ईथर ERC20 ये वाला एड्रेस यहाँ पे टिक करना है, क्लिक करते ही आपको ये वाला एड्रेस दिखा देगा, एथेरियम टेक्नोलॉजी है सर, एथेरियम का एड्रेस नहीं डालना, एथेरियम टेक्नोलॉजी का एड्रेस आपने डालना है, ये वाला एड्रेस कॉपी करिए और वहां पे ERC20 वाले में पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, बहुत ही इजी है दोस्तों। यहाँ एक और चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ, फिलहाल कई लोग ये समझते हैं जी कि हमें जो बेनिफिट है यानी कि जो हमारा विड्रॉ होगा वो ERC20 के तौर के ऊपर होगा या क्रिप्टो करेंसी में होगा, तो अभी तक ये कुछ भी कंफर्म नहीं है मैनेजमेंट की तरफ से, अभी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ERC20 के साथ आपका अकाउंट लिंक होगा, दैट्स इट फॉर द, क्योंकि मल्टीपल अकाउंट्स हैं आपके तो मल्टीपल अकाउंट होने की वजह से हो सकता है वो एक अकाउंट में मर्ज हो जाए, और दूसरा नेटवर्किंग में होते हुए प्लीज आप किसी का भी अपने दोस्त का या किसी भी रिश्तेदार का अपने ब्लॉकचेन के एड्रेस या अपने पास विड्रॉ का प्रोसीजर मत लें, क्योंकि जब आपका स्टॉक एक्सचेंज में चला जाएगा तो आपकी KYC चाहे वो ब्लॉकचेन एड्रेस का हो चाहे वो आपके ETS इग्नाइटेड 100 के शेयर्स का हो, तो आपका KYC में अगर कहीं के ऊपर कोई ग्लिच या ग्लिच मतलब कोई चेंजेस मिली तो आपका अकाउंट फिर होल्ड होने के चांसेस भी हो सकते हैं। नेटवर्किंग में ये प्रैक्टिस आम देखी गई है कि मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी या मैंने अपना कुछ अकाउंट डाल दिया या ब्लॉकचेन अगर एड्रेस डाल दिया तो विड्रॉ भी कई लोग निकाल लेते हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हम नीचे किसी की भी अगर आईडी लगी हुई है उसके पास शेयर्स हैं तो हम उनको ही सपोर्ट करके बाइनेंस में या जो जो कंट्री में आपके ब्लॉकचेन जो भी एक्सचेंज अवेलेबल है उसका एड्रेस देके क्रिएट करके उसका ही एड्रेस डालें, तो जो उसके हाथ से उसकी अकाउंट को समझना या अकाउंट को मैनेज करना उसकी अपनी जिम्मेवारी भी बने, आपकी जिम्मेवारी कम होती जाएगी जब आप किसी को सिखा देते हैं, तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है, सर की तरफ से भी ये मैसेज था कि हर ये एक अकाउंट मिल गया, मैं इनको शो भी कर देता हूँ, एक अकाउंट मिल गया है, ये एक एड्रेस है, जैसे ये दो ऑप्शन आती है आपको, कन्वर्ट I100 फॉर SMB टोकन, आपके टोटल 218 है, SIG में 218 है और ऑफ फॉर लिस्टिंग प्रोसीड, यहाँ पे टिक करेंगे तो ये ERC एड्रेस मांगता है, यहाँ पे मैं अपना एड्रेस जैसे डाल देता हूँ, क्योंकि ये मेरी ही एक आईडी थी और मैंने चेकिंग करी, यहाँ पे जैसे ये सबमिट करी तो यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन पासवर्ड बना देगा, ट्रांजेक्शन पासवर्ड कौन सा है, वही जो हमारा आईडी देगा, कंफर्म करेंगे सक्सेसफुल योर एप्लीकेशन हैज बीन इनिशिएटेड, जी हाँ ये देखिए इनिशिएटेड हो गई, ये आईडी मेरी अप्रूव हो गई, इसका भी एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर अलग से बन गया, तो ये वाली आईडी ऐसे ही सबमिट करना है, बहुत ही इजी है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि ERC का एड्रेस आप जरूर लोग सब लोग बनाए, और हो सकता है आने वाले टाइम में आपको एक दो दिन में जैसे कब सर ने बोला था कि ये हटा दिया जाएगा ऑप्शन, बट अभी के लिए ये है तो अभी इसको प्रोसीड कर दीजिए। और दूसरा दुबई का ट्रिप जो है वो कल खत्म हो जाएगा, 7 डेज के लिए ही था, मंडे से लेके संडे नाइट तक, तो जो भी लोग क्वालिफाई कर चुके होंगे 7,000 मैचिंग के साथ वो दुबई के लिए क्वालिफाई, तो एक दिन आपका है अभी अवेलेबल, तो जिनका क्वालिफाई आप कर सकते हैं वो कर लीजिए, एक्सटेंड नहीं होगा, ये मैं सब लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, तो थैंक यू अमरदीप जी, थैंक यू आप सब लोगों का, लेडीज एंड जेंटलमैन।
हैव अ गुड वीकेंड और गुड क्लोजिंग, थैंक यू। और अगर कोई बर्थडे सेलिब्रेशन कर भी रहे हैं अपनी टीम के साथ, केक कटिंग या कुछ भी, तो प्लीज अपनी अपलाइन के साथ वो फोटो जरूर शेयर कर दें, सो दैट वो फिर मैनेजमेंट के पास जाए और वो न्यूज़लेटर में भी आपको इंटरनेशनली मौका मिले आपकी पिक्चर्स या वीडियो को शेयर करने का। थैंक यू। 17th को सर थोड़ा सा टाइम फ्री रखिए क्योंकि हमारी टीम सेलिब्रेट कर रही है। जी जी जी, तो आपको इनविटेशन वो कंपनी की तरफ से भी हो रहा है। हाँ जी, ठीक है सर। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम, एंड कल मिलते हैं इसी टाइम पे, सेम टाइम सेम।